नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सदिश बीजगणित का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था सदिशों के प्रकार तथा सदिशों का योगफल। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक अदिश से सदिश का गुणन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, आज के हमारे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल होगा। वो सवाल है कि वेक्टर ए का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, यानी कि हम वेक्टर ए में क्या ऐसा ऐड करेंगे कि सेम आए। तो जाहिर सी बात है, आप उसमें जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो वो सेम आएगा, यानी कि वेक्टर ए की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो होगी जीरो वेक्टर। इसी तरह से आपसे एक और सवाल किया जा सकता है, जो कि है कि वेक्टर ए की एडिटिव इनवर्स क्या होगी, यानी कि आप उसमें क्या ऐसा ऐड करेंगे कि वो जीरो हो जाए। तो जाहिर सी बात है, आप उसमें उस वेक्टर का नेगेटिव ऐड करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर वेक्टर ए है और उसका एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है एक अदिश से सदिश का गुणन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इस शीर्षक में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी स्केलर के द्वारा वेक्टर को गुणा करते हैं। तो दोस्तों, क्या होगा जब हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर का मतलब, जैसे कि आप सब जानते हैं, वो क्वांटिटी जिसका कि कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर यानी कि केवल एक संख्या। तो जब आप एक संख्या से किसी वेक्टर को गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो जब आप किसी स्केलर से वेक्टर को गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, फर्क केवल मैग्नीट्यूड पर पड़ेगा। आइए उदाहरण देखकर इसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है ए, जिसका कि मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट। अगर हम इस वेक्टर को गुणा करेंगे किसी स्केलर से, अर्थात हाफ से, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, आइए देखते हैं। जब हम इसे गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त होगा हाफ ए वेक्टर। लेकिन यहाँ पर इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो आधी हो जाएगी, यानी कि 2 यूनिट था तो अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 यूनिट। इसी प्रकार से आइए एक और उदाहरण देखते हैं। ये है ए वेक्टर, जिसका कि मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट। जब हम इसे गुणा करेंगे 2 से, तो हमें यहाँ पर ये क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जब हम इसे 2 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा 2 a वेक्टर। लेकिन यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 4 यूनिट, क्योंकि 2 गुना 2 बराबर होता है 4 के। इसी प्रकार से हमने एक और उदाहरण लिया है, जिसमें कि हमने इस ए वेक्टर को गुणा किया है -1/2 से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमें ये 1/2 ए वेक्टर प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि जो हमारा वेक्टर है जस्ट उसका उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से गुणा करते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं दिखता है, चेंज दिखता है तो उनके मैग्नीट्यूड में दिखता है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है एक सदिश के घटक, यानी कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आइए देखते हैं कि कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर और कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर शुरू करने से पहले हम देखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस। स्क्रीन पर
आपको एक आकृति दिख रही होगी जिसमें कि हमने तीनों एक्सिस की ओर एक एक यूनिट का मैग्नीट्यूड लिया है। तो जो एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट मैग्नीट्यूड जो हमने लिया है उसे हम कहते हैं आई कैप। इसी तरह से वाई एक्सिस की ओर जो हमने एक यूनिट लिया है उसे हम कहते हैं जे कैप। इसी तरह से जेड एक्सिस की तरफ जो हमने एक यूनिट लिया है उसे हम कहते हैं के कैप। मान लीजिए कि अब हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं पी पॉइंट, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सपोज कि ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और ओ इसका ओरिजिन है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ओपी क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ओपी है ये है हमारा पोजिशन वेक्टर, जिसे हमने यहाँ आर वेक्टर से डिनोट किया है। तो अभी तक आपने ये जाना था कि ये पोजिशन वेक्टर होता है। आइए देखते हैं कि अब हम इस पोजिशन वेक्टर को लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर इसे लिखने के लिए हमें जरूरत होगी हमारे इस वेक्टर के कंपोनेंट की। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे इसके कंपोनेंट? तो यहाँ पर ये जो OS है ये है हमारा Y, OQ जो है वो है हमारा X और OR जो है वो है हमारा Z। तो कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखने के लिए हमें चाहिए वेक्टर के कंपोनेंट, यानी कि हमारा जो वेक्टर है R वेक्टर उसके कंपोनेंट X, Y, Z से मिलकर बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा XI, YJ और ZK। तो यहाँ पर हमारा इस OP वेक्टर का जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। तो दोस्तों इस प्रकार से हम O के सापेक्ष P का स्थिति सदिश यानी कि पोजिशन वेक्टर OP का फाइंड करते हैं, जिसे कि हम लिखते हैं XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप के रूप में। किसी भी सदिश का यह रूप घटक रूप है। यहाँ X, Y एवं Z के अदिश घटक कहलाते हैं और XI, YJ एवं Z के क्रमागत अक्षों के अनुदिश R वेक्टर के सदिश घटक कहलाते हैं। कभी कभी X, Y एवं Z को समकोणिक घटक भी कहा जाता है, यानी कि ये जो फॉर्म है ये है हमारा कंपोनेंट फॉर्म। यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है ये है हमारा वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट और एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप ये है हमारा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग द रिस्पेक्टिव एक्सिस। और ये जो एक्स वाई जेड है इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे मॉड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर के बारे में, जिसमें आपने ये सीखा कि किस तरह से हम किसी पोजिशन वेक्टर का कॉम्पोनेंट फॉर्म लिखते हैं। चलिए अब हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है A, जो कि है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप और जो दूसरा वेक्टर है वो है b वेक्टर विच इज इक्वल्स टू b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अब यहाँ पर आपसे इन दोनों वेक्टर का सम पूछा जाए तो ये आप कैसे बताएंगे? आइए देखते हैं। जब आपसे इन दोनों वेक्टर का सम पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर इन दोनों वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उन्हें ऐड करेंगे, फिर उस रेस्पेक्टिव एक्सिस के वेक्टर कंपोनेंट्स को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर a कैप प्लस b कैप बराबर हो जाएगा a1 प्लस b1 i कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। तो दोस्तों अगर आपसे इसी वेक्टर का डिफरेंस फाइंड करने को कहा जाए तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे? तो दोस्तों सिमिलरली जिस तरह से आपने एडिशन किया है उसी तरह से आप इसका डिफरेंस भी फाइंड करेंगे। तो जब आप इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल्स टू a1 माइनस b1 i कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप।
तो दोस्तों, जब आपसे इन दो वेक्टर को देकर ये पूछा जाए कि ये समान कब होंगे, तो ये आप कैसे बताएंगे? तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, समान होने के लिए यहाँ पर यदि और केवल यदि ये तभी होंगे जब A1 बराबर होगा B1 के, A2 बराबर होगा B2 के और साथ ही A3 बराबर होगा B3 के, तब ये दोनों सदिश समान होंगे। इसी के साथ जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है कि किसी अदिश लैम्डा से सदिश A का गुणन बराबर होगा लैम्डा A1 i कैप प्लस लैम्डा A2 j कैप प्लस लैम्डा A3 k कैप। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रॉपर्टीज जिसका कि हम प्रयोग करेंगे प्रश्नों को हल करने में। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है सदिश A का मात्रक सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ A वेक्टर। तो दोस्तों, मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर लिया है A, जो कि बराबर है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताने को, तो ये आप कैसे बताएंगे? तो दोस्तों, यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं A कैप से। आइए देखते हैं कि ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है वो होता है A कैप बराबर A वेक्टर बटे मॉड ऑफ A वेक्टर। आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो हमने A वेक्टर लिया था, इसका हम यूनिट वेक्टर किस प्रकार से फाइंड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इसका यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं इस पर आधारित। मान लीजिए हमने एक वेक्टर लिया है A वेक्टर, जो कि बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। यहाँ पर हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यानी कि A कैप फाइंड करना है। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे? ये हम फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, यानी कि सूत्र का प्रयोग करके, जो कि है A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा A कैप इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट 14 व्हिच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 14 i कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 j कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 k कैप। और यही होगा हमारे दिए गए A वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो कुछ इस प्रकार से हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे संरेख सदिश की स्थिति, यानी कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो दोस्तों, कोई भी वेक्टर कोलिनियर कब होगा और उसकी स्थिति क्या होगी, ये हम अब जानेंगे। मान लीजिए हमने दो वेक्टर लिया है, वेक्टर A और हमने एक और वेक्टर लिया है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर A और वेक्टर B के, जो कि है वेक्टर C। तो दोस्तों, जो कंडीशन है कि जो दिए गए वेक्टर है वो कोलिनियर है, वो होगा A वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा ऑफ B वेक्टर। यानी कि अगर वो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उनका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा, जो कि हमने यहाँ पर डिनोट किया है लैम्डा से, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर A एंड वेक्टर B, जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पर आपको ये शो करना है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये कोलिनियर हैं, यानी कि ये संरेख हैं। ये आपको यहाँ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा B वेक्टर है, इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि है 2 × 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से हमें मिल रहा है B वेक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A वेक्टर, जो कि देखा जाए तो अभी जो हमने कंडीशन सीखा था उसी के फॉर्म में है। यहाँ पर हमारे जो लैम्डा की वैल्यू है वो है 2। तो जब हमने इसे
हमारे दिए गए स्थिति में परिवर्तित कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये कोलिनियर हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी संरेख सदिश की स्थिति के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है दिक अनुपात और दिक कोसाइन, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये हम सीखेंगे दोस्तों एक प्रश्न के सहयोग से। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न को। सदिश ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप के दिक अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसका दिक अनुपात हम किस प्रकार से लिखेंगे और इसका दिक कोसाइन हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें सदिश दिया गया है वो है ए, सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, सदिश आर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जिसके दिक अनुपात में ए बी सी सदिश के क्रमागत घटक एक्स वाई जेड होते हैं। यानी कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी सी, जो कि उस वेक्टर के रेस्पेक्टिव कंपोनेंट एक्स वाई जेड के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें ये वो मिल जाएगा ए इज इक्वल्स टू वन, बी इज इक्वल्स टू वन एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस टू। अब जब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई है, तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं इनका डायरेक्शन कोसाइन अर्थात दिक कोसाइन। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, दिक कोसाइन होता है हमारा एल एम और एन, जो कि हम फाइंड करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ए अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर व्हिच इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिक्स। तो यहाँ से हमें एल की वैल्यू मिल जा रही है वन अपॉन अंडर रूट सिक्स। इसी तरह से हम एम की वैल्यू फाइंड करेंगे b अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर व्हिच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 6, और इसी की तरह हम n की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, जो कि हमें मिल जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 6। तो दोस्तों यहां से हमें मिल रहा है हमारा दिक कोसाइन अर्थात डायरेक्शन कोसाइन 1 अपॉन अंडर रूट 6 कॉमा 1 अपॉन अंडर रूट 6 कॉमा -2 अपॉन अंडर रूट 6, और ये हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं और फिर उसका यूज करके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो पर आधारित आपको बहुत सारे प्रश्न आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा एक अदिश से सदिश का गुणन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। धन्यवाद।